हेलो एंड वेलकम टू ईटिंग आउट, माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। देखिए, 5 दिन की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कहीं जाकर आता है ये वीकेंड। और ये 5 दिनों में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बीवी, आपका बॉस, आपके बच्चे, आपकी बीवी की माँ, आपके कुछ निकम्मे दोस्त टोटली कर देते हैं आपका भेजा फ्राई। और जब आपका भेजा फ्राई हो जाता है तब आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हो आपका भेजा फ्राई, हमेशा भेजा तवा मसाला कीजिए ट्राई। देखिए, ये बहुत ही बुरी पोएम नहीं थी, ये बहुत ही बुरा जोक भी था, पर जो खाना मैं आपको आज खिलाऊंगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। देखिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में एक तो भेजा तवा मसाला आपको मिलता नहीं है, और यू नो कुछ रेस्टोरेंट्स में जहाँ मिलता भी है शायद आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी ना हो। इसलिए हम आज एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ के लाएँ जहाँ का भेजा तवा मसाला खा के आप कहेंगे वाह, मजा आ गया। एंड फॉर दिस आई हैव टू थैंक माई फ्रेंड कमल वचानी हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू मसाला क्राफ्ट। अब मसाला क्राफ्ट में एक और अच्छी बात यह है कि these guys take their name very very seriously. Restaurant ka naam hai Masala Craft, and when you have your food there you'll realize how they treat their food as a craft. Bahut sari unique cheeze aapko dekhne ko milengi, wo main aapko abhi dikha deta hu, par tab tak meri kahawat kya thi, jab bhi ho aapka bheja fry, bheja tawa masala kijiye try. मसाला क्राफ्ट में आते ही यू रियलाइज कि आहा, दिस इज वन ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स जहां पर इंडोर और आउटडोर दोनों सीटिंग्स अवेलेबल है। तो आई एम सेइंग इन द बेटर मंथ्स ऑफ वेदर इन दुबई यू कैन एंजॉय आउटडोर सीटिंग एज वेल, जैसे कि मैं अभी बाहर बैठा हूं। एंड दीज आर आई एम गेसिंग वेरी अनफॉर्चुनेटली द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ गुड वेदर इन दुबई, तो यहीं बैठकर एंजॉय कर लेते हैं। When you take a look at the menu here, you realize कि इनका menu पे you'll have to spend some time because they've got a lot of variety to offer, a lot of very creative dishes to offer. तो एक बार my recommendation is कि इनका menu ठीक से पढ़ लीजिए before you place your order. Among the various options available for starters, we ordered achari jhinga and paneer tikka on papri. Nice, soft, very well marinated. On the whole, very tasty. Jhinga achari and paneer tikka on khasta roti. Both of them absolutely fantastic, and both of them slightly different as well. देखिए, जब आप झिंगा अचारी, चिकन अचारी, जब अचारी चीज़ें खाते हैं तो कई रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, दे एक्चुअली यूज द रियल अचार इन इट टू गेट द अचारी नेस आउट, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। दे हैव डन इट स्लाइटली डिफरेंटली हियर, एंड व्हाट्स डन द ट्रिक फॉर देम ओवर हियर इज द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल। दे हैव यूज्ड इट ब्रिलियंटली। इफ लाइक मी यू आर अ मस्टर्ड फ्लेवर लवर, अनदर थिंग दैट इज वर्थ अ मेंशन इज दिस, द पनीर टिक्का ऑन खस्ता रोटी। नाउ द खस्ता रोटी दैट दे हैव डन, दे आर नॉट रेडी टू गिव आउट हाउ दे हैव डन इट, but it's a very nice fusion of khasta roti and a papdi. After weighing various options for main course, we ordered bheja tawa fry and tiranga murg. ओके, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि अरे गौरव सुधर गया है, गौरव ने आज सिर्फ इतना ही खाना मंगाया, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ माय मेन कोर्स, दिस इज देयर वेरी फेमस भेजा तवा मसाला। इसके बाद भी मैंने कुछ मंगाया, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट यू डोंट वांट मिस आउट ऑन। तब तक जरा भेजा तवा मसाला चख लिया जाए। वाह, ये बड़ा इंटेलिजेंट बकरी रही होगी, क्या भेजा है, वाह। भेजा मैंने खा लिया है और अब मैं तैयार हो गया हूँ अपनी अगली डिश के लिए। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, मैंने भेजा पहले इसलिए मंगाया था क्योंकि मेरी अगली डिश को तैयार होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आई थिंक ये एक ऐसी डिश है जिसका प्रेपरेशन आपको देखना चाहिए, तो जाइए देखिए कि आखिर हो क्या रहा है।
We at Masala Craft, since our very inception 4 years ago on Republic Day of 2006, we strive to dazzle and delight our guests. The cuisine that we serve out here is basic Indian food with a slight twist. One of the dishes that you'll saw today, the Tiranga Murg. Now this is taken is an offbeat of the beggar's chicken that is very famous all around China. The Tiranga chicken is basically we take a whole chicken and we debone it. Then we marinate the chicken in tandoori masala. Into the deboned chicken, which is a boneless piece of meat, we stuff it in with a biryani. Once the biryani is done, stuffed into the entire chicken is wrapped in banana leaves and then coated in a dough, in a naan dough, and baked in an oven. It's baked in an oven for around 1.5 hours, slow cooking till the chicken cooks and the biryani rice is also done. This is the reason why it takes a long time, and we encourage our guests to pre-book this dish with us because it takes around 1.5 hours for us to get this dish ready. So far, you've seen and heard how this is done, and I'm sure ab tak aapka expression bhi mehi tarah yehi hoga ki wow, what is this? Ab bas isse khana baki hai. Chaliye jaldi se khate hain aur main aapko batata hoon ye hai kaisa. Isse pehle aisa kabhi socha nahi tha ki chicken aur biryani इस तरह एक साथ खाई जाएगी. चिकन स्टफ विद बिरयानी, क्वाइट अ कॉन्सेप्ट. चाइनीज, जापानीज, लेबनीज, स्विस, इटालियन, सारा खाना खा लिया. पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये सारा खाना एक तरफ और इंडिया का खाना एक तरफ. एंड एट मसाला क्राफ्ट, यू नो व्हाट दे हैव डन इज इंडियन खाने को इंडियन रखते हुए बिना कोई खास फ्यूजन यूज करे हुए भी इन्होंने थोड़ा सा अलग बना दिया. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दे टेक देयर नेम वेरी वेरी सीरियसली. सो खाने में मुझे रियली बहुत मजा आया. बहुत टाइम बाद इंडियन खाके भी ऐसा लगा कि यार बहुत अलग खाना खाया. तो आई हैव एंजॉयड द फूड थॉरली. ईटिंग आउट रेकमेंड्स खड़ा बैंगन. एंड खुश क्रान. देखिए टेनिस तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा टेनिस की मेरी कैपेसिटी भी नहीं है. हाँ, अगर आप कहें कि इससे ज़्यादा खा के दिखाओ, वो मैं शायद कर सकता हूँ. मेरा क्या, मैं तो आपके खाने का भी इंतजाम कर सकता हूँ. आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी. अगर आप यहाँ मसाला क्राफ्ट में आकर मेरी तरह दबा कर खाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल से सवाल का जवाब हमें SMS कीजिए. बताइए मसाला क्राफ्ट की लोकेशन क्या है. Is it at the Century Village? Yes या नो में अपने जवाब हमें SMS कीजिए 3536 पर. And some of you will be eating here absolutely free. अब देखिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ईटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त.